नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे, हमने जो होस्टिंग परचेस की हुई होती है और आपके पास अगर पहले से भी कोई होस्टिंग है तो उसमें वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सी पैनल की मदद से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फ्री में डोमेन और होस्टिंग किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से प्राप्त करना है, वो हमने सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और यहाँ पर जो आई बटन है वहाँ पर आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप फ्री में डोमेन और होस्टिंग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, ये बहुत काम का वीडियो है। और यहाँ पे दोस्तों, उसी जो फ्री होस्टिंग हमने लिया है वहाँ पर ही हम हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हमारी सी पैनल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। दोस्तों, जो सी पैनल का जो URL है, मतलब सी पैनल का जो एड्रेस है, वो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त नोटपैड में सेव कर लिया था, तो वो मैं नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो सी पैनल ओपन करने के लिए ये एड्रेस है, वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये सी पैनल में लॉगिन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। दोस्तों, यूज़र आईडी यहाँ पे हमने सेव कर रखा है, हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और पासवर्ड, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब जो आपने पासवर्ड सेट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों, आपकी सी पैनल ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इसको विस्टा पैनल भी कहा जाता है और कई बार इसको सी पैनल भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें हमारी जो वेबसाइट है उसके लिए हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, आप जब होस्टिंग परचेस कर रहे हैं तब आपको एक बात कंफर्म कर लेनी है कि आपकी जो होस्टिंग है वहाँ पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, वो आपको कंफर्म कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है सॉफ्टक्यूलस। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है सॉफ्ट, आप सॉफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर, वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे सॉफ्टक्यूलस का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन रहेगा वर्डप्रेस, वहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का नेम लिख लेना है, यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ ZTech। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर दोस्तों, आप तो यहाँ पे आपको एडमिन अकाउंट के लिए एडमिन यूज़र नेम डालना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एडमिन और पासवर्ड में हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड रखा है वो वर्डप्रेस के लिए रखा है। जब हम वर्डप्रेस में लॉगिन हो गए तब हम ये पासवर्ड और यूज़र आईडी का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है। फिर दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। फिर दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कोई टेम्पलेट दिख रहा है तो वो टेम्पलेट आप सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा आप यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके आप वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो अपने होस्टिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गई है और यहाँ पे आपको उसका प्रोग्रेस दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वेबसाइट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो ये जो पहला लिंक है वो हमारी वेबसाइट का लिंक है और दूसरा लिंक है वो हमारी जो एडमिन साइड है, वर्डप्रेस की जो एडमिन साइड है उसका लिंक है। ये जो हमारी वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वर्डप्रेस ने हमारी वेबसाइट अपने तरीके से बेसिक वेबसाइट बना दी है, तो यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा लिंक है वो एडमिन का है, एडमिन पैनल का है, जहाँ से हम हमारी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम सी पैनल की मदद से हमारा जो होस्टिंग है वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, वेबसाइट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका नॉलेज नहीं है, फिर भी आप बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आपको, इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।